दोस्तों स्वागत है आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का भारत के सबसे बेहतरीन और बड़े लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन हिस्ट्री भारतीय इतिहास से संबंधित वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आगामी एसएससी की सभी परीक्षाओं के अंदर दोस्तों पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है दोस्तों वो क्वेश्चन है जो हर एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होते रहते हैं। हिस्ट्री जो है दोस्तों एक स्टेबल सब्जेक्ट है, इतिहास जो एक स्टेबल सब्जेक्ट है, यहाँ क्वेश्चन नए नहीं बनेंगे, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहेंगे। तो दोस्तों कोई भी क्वेश्चन आपको भविष्य एग्जाम के अंदर दिख जाए यहाँ से तो वो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। इसी उम्मीद के साथ आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो है 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था। 13वीं सदी में सेना का जो सर्वोच्च अधिकारी दोस्तों उसे खान बोला जाता था। नेक्स्ट है कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा करवाया था। देखिए दोस्तों कुतुब मीनार की जो नींव है ये तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा डाली गई थी, लेकिन बीच में ही कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद कुतुब मीनार की कार्य को पूरा कराने का जो श्रेय जाता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद इल्तुतमिश को जाता है। नेक्स्ट पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था। पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को दोस्तों कल्लर द्वारा स्थापित किया गया था। अल बेरुनी का पूरा नाम क्या था। अल बेरुनी का जो पूरा नाम था वो अबू रेहान मोहम्मद था। अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है। अलाई जो दरवाजा है दोस्तों ये कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है। नेक्स्ट है तबकात ए नासिरी का लेखक कौन है। तबकात ए नासिरी का जो लेखक है दोस्तों वो मिनहास उस सिराज है। नेक्स्ट है अमीर खुसरो ने किस बोली के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई। अमीर खुसरो ने दोस्तों खड़ी बोली के विकास में अग्रणीय भूमिका निभाई। नेक्स्ट भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया। भारत के अंदर पोलो खेल का जो प्रचलन है ये दोस्तों तुर्कों द्वारा शुरू किया गया था, जिसे हम चोगान भी बोलते हैं और पोलो भी बोलते हैं। गुलाम वंश के दौरान तोल की सबसे छोटी इकाई क्या थी। तो दोस्तों मापने की जो सबसे छोटी इकाई थी, तोल की जो सबसे छोटी इकाई थी वो रति थी। किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है। तो दोस्तों सितार को वाद्य का संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है। नेक्स्ट है अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने कौन सी उपाधि धारण की थी। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने दोस्तों जिल ए इलाही उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है किसके राज्य काल में लखनौती में तुर्गिल खान का विद्रोह और दमन हुआ। तो दोस्तों बलबन के काल में लखनौती में तुर्गिल खान का विद्रोह और दमन हुआ था। गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आया। गुलाम वंश के बाद दोस्तों खिलजी वंश आया था। नेक्स्ट है खिलजी वंश की स्थापना किसने की। खिलजी वंश की जो स्थापना है दोस्तों वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किसे अपनी राजधानी बनाया था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने किलोखरी को अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया था। नेक्स्ट है जलालुद्दीन की हत्या कब और किसने की। जलालुद्दीन की जो हत्या है दोस्तों वो 1296 में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली था। नेक्स्ट है सेना को नगद वेतन देने एवं स्थाई सेना रखने की प्रथा किसने शुरू की थी। सेना को नगद वेतन देने एवं स्थाई सेना रखने की जो प्रथा है ये अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शुरू की गई थी। नेक्स्ट दोस्तों दिल्ली के शासकों में सबसे विशाल स्थाई सेना किसके पास थी। तो दिल्ली के शासकों में सबसे विशाल स्थाई सेना अलाउद्दीन खिलजी के पास थी। नेक्स्ट दोस्तों घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा सबसे पहले किसने शुरुआत की थी। घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की जो प्रथा है ये सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शुरू की गई थी। अलाउद्दीन ने अपने
शासन में किस प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया था? अलाउद्दीन ने अपनी शासन प्रणाली के अंदर दोस्तों मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो दोस्तों ये नहर है, कैनाल जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। नहरों का जो निर्माण करने वाला प्रथम शासक था वो दोस्तों ग्यासुद्दीन तुगलक था। ग्यासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप कौन सा नगर स्थापित किया था? ग्यासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप दोस्तों तुगलकाबाद शहर स्थापित किया था। नेक्स्ट, तुगलकाबाद में स्थित दुर्ग को किस नाम से जाना जाता था? तुगलकाबाद में स्थित किले को या दुर्ग को 56 कोट के नाम से जाना जाता था। ग्यासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? ग्यासुद्दीन तुगलक की जो मृत्यु हुई थी दोस्तों वो 1325 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ग्यासुद्दीन तुगलक से ही संबंधित है कि ग्यासुद्दीन तुगलक के बाद दिल्ली के सिंहासन पर कौन बैठा था? तो ग्यासुद्दीन तुगलक के बाद दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला शासक मोहम्मद बिन तुगलक था, जिनका नाम जूना खां भी था। नेक्स्ट दोस्तों, सभी मध्यकालीन सुल्तानों में कौन सा शासक सर्वाधिक शिक्षित विद्वान एवं योग्य व्यक्ति था? तो सभी मध्यकालीन सुल्तानों के अंदर सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा विद्वान और योग्य जो शासक था वो मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए किस विभाग की स्थापना की थी? तो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर-ए-कोही नाम का एक कृषि विभाग अलग से स्थापित किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहां स्थानांतरित की थी? मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित किया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का नाम नया नाम क्या रखा था? मोहम्मद बिन तुगलक ने दोस्तों देवगिरी का नया नाम दौलताबाद रखा था। नेक्स्ट है, सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु के सिक्के चलवाए थे? सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने पित्तल और तांबा धातु के सिक्के दोस्तों प्रशासन या समाज के अंदर चलाए थे। नेक्स्ट है, इन सिक्कों का मूल्य किसके बराबर होता था? इन सिक्कों का जो मूल्य है वो चांदी के रुपए टका के बराबर होता था। अफ्रीकी यात्री इबन बतूता भारत में कब आया? अफ्रीकी जो यात्री इबन बतूता ये भारत के अंदर 1334 ईस्वी में आया था। सुल्तान ने इबन बतूता को किस पद पर नियुक्त किया? सुल्तान ने इबन बतूता को दोस्तों दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हुई? मोहम्मद बिन तुगलक की जो मृत्यु है वो 1351 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1342 ईस्वी में सुल्तान ने इबन बतूता को अपने राजदूत के रूप में कहां भेजा था? 1342 ईस्वी में सुल्तान ने इबन बतूता को अपने राजदूत के रूप में चीन में भेजा था। इबन बतूता की कौन सी पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है? इबन बतूता की रेहला नामक पुस्तक के अंदर मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। और ये जो पुस्तक है दोस्तों रेहला, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। ये इबन बतूता द्वारा लिखी गई पुस्तक है और इबन बतूता अफ्रीका का रहने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर किसने लिखा कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से? तो दोस्तों यह बात इतिहासकार बर्नी द्वारा लिखी गई कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु होने पर मोहम्मद बिन तुगलक को लोगों से मुक्ति मिली और लोगों को मोहम्मद बिन तुगलक से। नेक्स्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक किसका शिष्य था? मोहम्मद बिन जो तुगलक था दोस्तों ये शेख अलाउद्दीन का शिष्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तुगलक शासक ने दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का नाम के विजयनगर की स्थापना की थी? तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैं दोबारा रीड आउट कर रहा हूं। ये पूछ रहा है कि हरिहर और बुक्का नाम के दो व्यक्तियों द्वारा 1336 में विजयनगर की स्थापना की गई, उस समय दिल्ली की गद्दी पर किसका शासन था? तो याद रखेंगे उसमें मोहम्मद बिन तुगलक ही शासन कर रहे थे जब दक्षिण भारत में विजयनगर नाम की स्थापना हरिहर और बुक्का द्वारा 1336 ईस्वी में की गई थी।
नेक्स्ट है, महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन साहनी 1347 ईस्वी में किस स्वतंत्र राज्य की स्थापना की? तो दोस्तों इन्होंने बहमनी राज्य की स्थापना की थी। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? मोहम्मद बिन तुगलक के बाद गद्दी पर बैठने वाला सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक कब हुआ? फिरोज शाह तुगलक का जो राज्याभिषेक है दोस्तों 1351 ईस्वी में हुआ था। तो दोस्तों ये थे कुछ तुगलक वंश से संबंधित हिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो को लाइक